ये देखो, जब गोल लेना है, अगर आपने 6.5 आपने तैयार रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। जब आपने गला 6.5 तैयार रखना है, तब हमने इसको यहाँ से आधा इंच छोड़ना है, क्योंकि हमने जो कटिंग करी है वो पूरी, जितना हमारा गला है 6.5, हमने उतना ही कट करा है। और इसको अब स्टिच करना है तो हमें तैयार इतना चाहिए, और जब हम सूट में इसको अटैच करेंगे तो आधा आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा, ठीक है, सिलाई में जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ से आधा आधा इंच छोड़ते हुए, ये देखो यहाँ से यहाँ आधा इंच छोड़ा है मैंने छोड़ते हुए, और यहाँ से भी इसका ऐसे फोल्ड करने के लिए, फिनिशिंग के लिए आधा आधा इंच छोड़ना है। यहाँ से पहले पॉइंट लगाएंगे हम, जितने हमारे हमारे गले की चौड़ाई है वो वाली लगा के, जैसे हमने 5 इंच रखी थी यहाँ से, तो हमने यहाँ 5 इंच रखनी है, ठीक है ये। और यहाँ रखते हुए और यहाँ से आधा आधा इंच का हमने गैप छोड़ते हुए इसको यहाँ पिन लगा देना है। आप इसको पिन की हेल्प से आप बना लेना, ये देखो पिन लगाना है यहाँ, पिन से आपका ये गला बिल्कुल एज इट इज बनेगा, क्योंकि ये हिलेगा नहीं। अगर आपने इसको पिन ना लगाई, ये हिल जाएगा आपका, ठीक है। यस मैम। यहाँ से पिन लगा लेनी है दोनों कॉर्नर से, पहले हमने 1/2 इंच और यहाँ पिन लगा ली है, और यहाँ पे हम फिर इसको ऐसे हाथ से सेट करते हुए एक सेंटर में भी पिन लगानी है। ऐसे करके ये देखो पूरा ऐसे पकड़ के, ठीक है, ये लग गई हमारे पिन। तो हमारा ये अब हमारा जो कटिंग है बिना पेस्टिंग वाला बुकर में, इसलिए इसको ऐसे करना है। अगर ये पेस्टिंग वाला होता तो हम इसको प्रेस कर देते। कभी आपके पास पेस्टिंग वाला गला नहीं है तो आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे हमने कट करना है, इससे आपकी पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि आपके पास ये जो बुकरम है आपको सस्ती मिलेगी मार्केट से, और जो पेस्टिंग वाली बुकरम है वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। पर उसकी फिनिशिंग अलग आती है, इसकी फिनिशिंग अलग आती है, सब अपनी अपनी जगह पे होते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे, ये देखो हमने कट कर दिया, अब इसको थोड़ा सा ये यहाँ से ज्यादा मुझे मेरे से कट हो गया, तो इसको हम शेप में ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही हमने दूसरी शेप का कट करना है, सेम ऐसे निशान लगा लेना है, जैसे जैसे आपने बनाने गले वैसे वैसे ही हमने ऐसे कट करना है। देखो कपड़े को भी ऐसे ही बचाने की कोशिश करे करो, देखो यहाँ से भी सेम मैंने ऐसे पहले पॉइंट एक लगा लेना है, फिर इसका गैप जितना रखना है वो लगा लेना है, यहाँ से ऐसे मैच करते हुए, और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट हो, तभी इसे आधा इंच हमने आगे छोड़ना है, ठीक है, ये निशान लगा लेना है बराबर। तीन के चला लो, तीन के चला लो, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ से हमने इसको पिन कर लेना है, ठीक है। पहले दोनों साइड वाली हमने जो विड्थ है हमारे गले की उसको हमने पिन करना है, इसको ऐसे सेम ऐसे रखते हुए इसके बराबर बिल्कुल सीधा यहाँ से देख लेना, ऐसे स्ट्रेट निशान लगा लेते समय कि हमारा सीधा है ना, ये देखो, ठीक है। यहाँ सेंटर पे आपने ऐसे ये 3 पिन जरूर लगानी है, एक स्टार्टिंग में, साइड में, और एक सेंटर में, ठीक है, गले को ऐसे होल्ड करने के लिए, ऐसे आपका गला गिरेगा नहीं। ऐसे करके इसको 1/2 इंच छोड़ते हुए सीम अलाउंस इसको कट कर लेना है, देखो ऐसे करना है। पिन लगाई होगी तो आप गले को जिस तरफ मर्जी ऐसे घुमा सकते हो, अगर बिना पिन के लगाओगे तो आपका ऊंचा नीचा हो जाएगा, कटिंग में आपको दिक्कत होगी फिर। ये देखो हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, ये शेप और ये शेप दोनों हमारी कट हो गई है। चलो अब हम इसको स्टिच करते हैं। ये देखो जब अब हमने इसको यहाँ पिन लगाई है, स्टार्टिंग करने हमें इसको ये पिन एक निकाल देनी है, इस पिन को निकाल के इस पिन के ऊपर हमने ये देखो इस ऐसे फोल्ड करके इसको कपड़े को ऐसे होल्ड करके ये बड़ा टांका लगाना है इस पर, ठीक है। ऐसे पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल, देखो ये ऐसे ना यहाँ पे हमारे थोड़ा थोड़ा कपड़ा इकट्ठा होगा,
तो उसको हमने शेप के अकॉर्डिंग इसको ऐसे इकट्ठा करते हुए इसको ऐसे सिलाई लगाते जाना है। पहले हमने ऐसे थोड़ा आराम से इसको गोल गोल करके सिलाई लगानी है धीरे धीरे, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, देखो इसकी सिलाई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो गले का शेप हमारी वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हम सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए गले को कि हमारा हिले ना, उसके लिए ये सिलाई लगा रहे हैं, ठीक। अब इस वाले को भी हमने ऐसे ही बनाना है, देखो अब इसमें हमने जहाँ पे हमारा ये कॉर्नर शेप आती है वहीं पे फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ से इसको पिन निकाल, देखो जहाँ जहाँ पे हम स्टिच करते हैं वहाँ से आगे जब भी पिन आती है उसको हमने कट कर देना है। और इस वाले को भी सेम, कॉर्नर बनाना है, रुक जा बेटा, देखो ऐसे कॉर्नर बनाना है, फिर इसको ऐसे ये मैंने कम कपड़ा छोड़ा था, अगर आप इससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, लेकिन कम भी होगा तो चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमने ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा जो गला है बनने के बाद तैयार होने के बाद अंदर वाली साइड ही जाएगा, ठीक है। ये बन गया गला, अब इसको हम लगाएंगे सैंपल पे। लाओ ये हमारा सैंपल है जिसपे हमने इसको स्टिच करना है, देखो इसमें हमने इसको वहीं पे फोल्ड करा है जहाँ पे हमारे कॉर्नर है, बाकी हमने सीधी सिलाई लगाई है, और इसको हमने वहाँ पर वहाँ पर फोल्ड करा है जहाँ यहाँ पे हमारी शेप है, क्योंकि राउंड में ऐसे ही आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बल बनाते छोटे छोटे बनाते हुए कपड़ा इकट्ठा करते हुए स्टिच करना है, और इसको हमने ऐसे साथ साथ स्टिच करना है। फिर हमने जब ये वाला कपड़ा जिसपे हमने बनाना है, ये हम सैंपल बना रहे हैं, लेकिन जैसे आपका सूट है उस पर कैसे बनाना है, जैसे हमारा ये सूट समझ लो, इसको हमने सूट पे इसको सेंटर लेना है गले को, ठीक है। सेंटर लेके और उसका ये सेंटर हमने ऐसे क्रीज बना लेनी, हाथ हाथों से ऐसे इसको फोल्ड करके क्रीज कर लेना है, या फिर इसको प्रेस कर लेना, ठीक है। ये हमने क्रीज बना ली, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट आ गया ऐसे इस नोच पे। अब हमने ये अगर ये वाला गला लगाना है तो इसको सेम ऐसे लेते हुए इसका भी ऐसे सेंटर बनाएंगे, देखो ऐसे ही, जैसे दूसरे गले हमारे हैं चोर्स गला है, स्वीट हार्ट है, पान है, सेम ऐसा गले ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने का ये मेथड है, ये देखो यहाँ पे ये मैंने इसका भी सेंटर बना लिया, और यहाँ पे भी एक ऐसे कट लगा लो वी शेप में, कट लगा कर इसको इसके साथ मैच करके, और यहाँ पे इसको पिन की हेल्प के साथ इसको होल्ड कर लो। एक एक तरीका हो रहा है, अगर पिन नहीं लगानी उससे अच्छा ये है, ये देखो ये सेंटर बना लिया और ये सेंटर बना लिया, इसको हमने ऐसे पकड़ा ये, ठीक है, बड़े टांके से या छोटे टांगे इसको सीधी ऐसे करके स्ट्रेट पर इसको मैच करते हुए हिले ना और ना ये हिले, और ऐसे हमने इसको सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये सिलाई लगा ली, इससे ना हमारा ये देखो ये हिलेगा नहीं अब गला, ठीक है। अब हमने देखो ये हमारा गला होल्ड हो गया, अब हमने इसको ऐसे यहाँ रखना है और यहाँ से लॉक करके बिल्कुल सीधा यहाँ लेके आना है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने स्टिच करना है, ये देखो ध्यान से देखो, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए ना ही साइड में, बुकरम के साथ साथ हमने इसको स्टिच करना है। और ये देखो जहां पे हमारा ये कॉर्नर आ रहा है वहां पे सुई में अंदर रख के रही हूँ, ये देखो सुई अंदर रखी है, फिर इसको घुमाना है, बिना सुई अंदर रखे इसको नहीं घुमाना, लेकिन आप फिर आपकी शेप में गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसको हमने स्टिच करना है, और यहाँ हमारा कॉर्नर आया वहीं हमने रखा ऐसे,
और सीधा इसको ऐसे करके देखो, ये हमने सिलाई लगा ली, दिख रही है बुकरम के साथ साथ सिलाई है। और ये देखो, ठीक है, सीधा देना एक साथ। अब हमने इसको कट कर देना है, इसको हमने बहुत कम मार्जिन अंदर रखते हुए इसको कट करना है, ठीक है। अब इस गले को जैसे मर्जी घुमाओ, ये आपका गला बन चुका है। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर, वहां पे ऐसे कट लगाने हैं और इन दोनों को ऐसे पकड़ के इसका वी शेप में कट लगाना है। ये कट लगाना मत भूलना कभी भी, अच्छा, ये कट लगाए बिना इसको हमने फोल्ड नहीं करना, ऐसे कट जरूर लगाने हैं। ये देखो यहाँ पे भी हमने इसको शेप अगर सही निकालना चाहते हो तो ये कट लगाने हैं, बिना कट करे आपका कपड़ा में बल आएंगे और दूसरी तरफ से हमारी शेप पूरी नहीं आएगी। ये देखो यहाँ से हमने ऐसे फिर इसको ऐसा फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये हमने फोल्ड करा, ये बन गया हमारा नेक स्वीट हार्ट। गला बन गया स्वीट हार्ट। देखो अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो यहाँ पे बड़ा टांका लगा के इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करने में इजी हो जाता है। अगर आप इसको स्टिचिंग वाला बनाना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ से सीधी साइड से इसको देखते हुए यहाँ से, ये देखो यहाँ यहाँ से है ना, यहाँ यहाँ पे टॉप पे हमने इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। ये देखो अब हमने ऐसे स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे हम बड़ा बड़ा टांका लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे सिलाई का बड़ा टांका लगाएंगे यहाँ पे तुरपाई करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, ये देखो अब हमने यहाँ पे ना तुरपाई करनी है तो हमने ये वाली सिलाई लगाई है। ये देखो अब हमने ये जो बड़ा टांका लगाया है ना, इसको यहाँ पे हमने तुरपाई करनी है, तुरपाई करने के लिए लगाया है। तुरपाई करने के बाद हम इस ये वाले धागे को निकाल देंगे, इसलिए इसको बड़े टांके से धागे से सिलाई लगाई जाती है, ठीक है। एक और हमने स्टिच करना है, वो अगर वो इसलिए मैं स्टिच करती हूँ, कई करते हैं कई नहीं करते, ठीक है, हर कोई नहीं ऐसे स्टिच करता, लेकिन मैं इस पर जरूर स्टिच करती हूँ। जैसे ये हमारे कॉर्नर है ना, जब हम सूट पहनते हैं इस पर हमारा जोर पड़ता है, क्योंकि हमने ये बहुत ही पास में से इसको कट करा होता है शेप के लिए, और ये हमारा बाद में फट जाता है, क्योंकि ये वाला सिलाई हम निकाल देते हैं, इसलिए हमने इसको बिल्कुल टॉप स्टिच पर सिलाई लगानी है। टांका छोटा करके इसको ऐसे बिल्कुल पास पास हमने इसको स्टिच करना है ऐसे। शेप के देखो नीडल अंदर रखकर फिर उसको हमने ऐसे स्टार्ट करना है। गुस्सा कर के लगता है, ये देखो ऐसे। यहां आकर आपने बड़े आराम से धीरे से स्टिच करना है। ये हमारा अब गला तैयार हो गया है प्रॉपर। ऐसे ही आपने जो भी शेप भी स्टिच करनी है, जैसे राउंड स्टिच करना है, वो भी सेम ऐसे ही मेथड से स्टिच करना है। इसके बिल्कुल साथ साथ हमने स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद बड़ा टांका लगाना है, बड़ा टांका लगाकर उसके बाद हमने इसको बड़ा टांका लगा के ये वाला टॉप स्टिच दे देना है, ठीक है। टॉप स्टिच हर एक में देना, या आपका यहाँ से कभी फटेगा नहीं। चुका है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।